मॉर्निंग बच्चों, ट्रांसलेशन में आज हम वर्कशीट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। और वर्कशीट नंबर 7 किस पर डिपेंड है? पास्ट परफेक्ट टेंस। वर्कशीट नंबर 7 में जो हम नया टेंस सीखने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। ऑल्दो आप पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं, बट हम एक स्टेप और आगे चलेंगे इस टेंस में। मतलब ये टेंस आपको आता है, बट हम इस टेंस में नए टाइप के स्ट्रक्चर समझेंगे आज, कि इस टेंस में और भी नए टाइप के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसके सेंटेंस दिखते कैसे हैं और उनको ट्रांसलेट करते कैसे हैं। देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, वह जा चुका था, मैं इसे पढ़ चुका था। या हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि वह चला गया था या मैंने इसे पढ़ लिया था। ये सारी चीज़ें हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप कोई काम पास्ट की बात बताते हुए ये कहते हैं कि वो काम आप कर चुके थे, वो काम आपने कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, कोई भी आपका काम है, कोई भी आपका टास्क है, अगर वो आप कंप्लीट कर चुके थे और पास्ट की बात है, पास्ट में उसे कंप्लीट कर चुके थे, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेड सबके साथ एक ही लगती है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और उसके बाद लगाते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो अब वह जा चुका था में सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह की इंग्लिश लगा देंगे हम यहाँ पर ही। के बाद लगेगा आपका क्या? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आपकी? हेड। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी बच्चों वर्ब, और वर्ब जो है यहाँ पर मेन वर्ब वो है जा चुकना, मतलब जाना, और जाने की होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर लगाएंगे गॉन। तो ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई है नहीं, तो ये सेंटेंस यहीं पर फिनिश हो जाएगा। ही हैड गॉन, वह जा चुका था, या वह चला गया था। ठीक है, तो आपको चुका था, चुकी थी ऐसा नहीं पकड़ना है, मैं आपको सिर्फ सिचुएशन बता रही हूँ कि अगर पास्ट में कोई आदमी ने कोई काम कर लिया होता है, ठीक, तो वहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। अगला देखिए, मैं इसे पढ़ चुका था, या मैंने इसे पढ़ लिया था, आप वो काम कर चुके थे, पास्ट में कर चुके थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा मैं, और मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। आई के बाद आप लगाएंगे आँख बंद करके हेल्पिंग वर्ब, हैड लगा दीजिए, कुछ भी नहीं सोचना आपको। उसके बाद आपकी मेन वर्ब है पढ़ना, और पढ़ने की होती है रीड, और रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, लेकिन उसको पढ़ते अलग तरह से हैं। फर्स्ट फॉर्म होगी तो रीड पढ़ेंगे, सेकंड फॉर्म होगी तो रेड पढ़ेंगे, और थर्ड फॉर्म होगी तो रेड पढ़ेंगे, स्पेलिंग सेम रहती है। ठीक है, तो आई हैड लिखा तो मैंने आर ई ए डी है, बट इसको मैं पढ़ूंगी रेड, आई हैड रेड। और अब इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, क्या है? इसे। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? इसे। अब इसे आप किसे पढ़ेंगे? कोई भी नॉन लिविंग थिंग को ही पढ़ेंगे, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए ऑब्जेक्टिव के साथ क्या लगाएंगे? प्रोनाउन, मैं आपको समझा चुकी हूँ, इट लगाएंगे। सेंटेंस बन जाएगा आई हैड रेड इट। ठीक है, तो ये इस तरह के सेंटेंस आप पहले पढ़ चुके हो, और इस तरह के सेंटेंस आपको पहले से आते हैं, सिंपल आप कर लेते हो, बहुत ईजिली कर लेते हो। ठीक है, तो इस तरह के जो भी सेंटेंस मैं आपको सिखाऊंगी ये सब आपको आते हैं, आप इन्हें पहले सीख चुके हो। लेकिन आज मेरा फोकस ये सिखाने पर ना होकर, जो आपको थर्ड वाला सेंटेंस दिखाई दे रहा है ना बच्चों, वो सिखाने पर है, उसको आप एक बार पढ़ो। क्या लिखा है? डॉक्टर के आने से पहले वह मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले वह मर चुका था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने दो कलर से सेंटेंस लिखे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो तरह के सेंटेंस हैं। अब देखो यहाँ पर वो वाला सेंटेंस ढूंढो आप जो आपको लग रहा है कि वह पास्ट परफेक्ट में है, कि ये काम हो चुका था पास्ट में, तो वो यहाँ पर लिखा है वह मर चुका था, ऐसा ही है ना? वह जा चुका था, मैं इसे पढ़ चुका था, इस तरह का सेंटेंस क्या है? वह मर चुका था। तो ये जो सेक्शन है ये आपका पास्ट परफेक्ट वाला सेक्शन है, यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले ये एक अलग सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश अलग तरह से बनाएंगे, और वह मर चुका था इसकी इंग्लिश अलग तरह से बनाएंगे, यही आपको आज इसमें सीखना है।
अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको इसका टेंस पता होना चाहिए। अब इसका टेंस आप कैसे पता करेंगे, देखिए इसको आप ये सोचिए, आप इसको कोई और तरह से बोल सकते हैं क्या? मैं बोल सकती हूँ इसको जैसे कैसे कि डॉक्टर आया उससे पहले वह मर चुका था, डॉक्टर आया उससे पहले वह मर चुका था, ठीक है। तो अब पहले की इंग्लिश आप जानते हो क्या होती है, बिफोर, तो बिफोर लगा देंगे। अब हमारा रह गया डॉक्टर आया, अब डॉक्टर आया कैसा टेंस है, डॉक्टर आया कैसा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है ना। डॉक्टर आया की इंग्लिश आप अगर केवल डॉक्टर आया दिया होता तो आप क्या बनाते, डॉक्टर केम, यही बनाते ना, मैं आया आई केम, डॉक्टर आया डॉक्टर केम, मैंने खाया आई एट, वह गया ही वेंट, ऐसे ही बनाते ना आप। तो बस आपको यही इसका ध्यान रखना है कि डॉक्टर के आने से पहले का मतलब डॉक्टर आया उससे पहले, तो डॉक्टर आया पास्ट इंडेफिनिट है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो एरिया है, ये जो सेंटेंस है, इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और जो पीछे वाला है उसको हम बनाएंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में, ठीक, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, ठीक है। ये चीज आपकी यहाँ पर मेन सीखने की है। तो अब जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी, स्टार्टिंग जो होगी वो होगी यहाँ से, पहला सेंटेंस जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, वह मर चुका था। अब वह मर चुका था कि इंग्लिश क्या होगी, ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और उसके बाद मरने की इंग्लिश क्या होती है, डाई, और डाई की थर्ड फॉर्म डाइड, DIED, डाइड, ही हैड डाइड, ठीक, वो हो गई इसकी इंग्लिश, वह मर चुका था। अब डॉक्टर के आने से पहले, मतलब डॉक्टर आया उससे पहले, तो पहले की इंग्लिश लगाएंगे सबसे पहले बिफोर, ही हैड डाइड बिफोर। अब उसके बाद आप बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर द डॉक्टर केम, ये हो गया आपका ही हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मेन थिंग जो है ना इस वीडियो में वो आपको यही पकड़नी है और यही सीखनी है कि जब दो सेंटेंस दिए हों, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक सेंटेंस दिया हो और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक सेंटेंस दिया हो, वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो उसकी इंग्लिश आप इस तरह से बनाते हैं, पहले पास्ट परफेक्ट वाला बनाते हैं और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट वाला बनाते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस देखें, देखिए बच्चों अगला सेंटेंस क्या है, पिताजी के कहने से पहले हम इसे कर चुके थे, पिताजी के कहने से पहले हम इसे कर चुके थे। सबसे पहले आप फाइंड कीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है, वो मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है तो आप उसे देख सकते हैं, हम इसे कर चुके थे। तो यहाँ से सेंटेंस जो है वो ब्रेक हो जाता है ना, जहाँ पे पहले आ जाए, पहले के तुरंत बाद आप उसे ब्रेक कर लीजिए, हम इसे कर चुके थे। अब पिताजी के कहने से पहले, ये देखिए इसको अगर हम चेंज करें तो कैसे बनेगा, पिताजी ने कहा इससे पहले, पिताजी ने कहा इससे पहले हम इसे कर चुके थे, ऐसे ही बनेगा ना। तो पहले की इंग्लिश तो बिफोर, और पिताजी ने कहा पास्ट इंडेफिनिट है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, फादर कहा कि से, तो से की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या बनेगी, फादर सेड, फादर सेड। और अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम इसे कर चुके थे, तो देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, हम इसे कर चुके थे, तो हम सब्जेक्ट हो गया, तो वी, इसके बाद आंख बंद करके हेल्पिंग वर्ब हैड, कुछ भी नहीं सोचना है, और फिर आपकी है मेन वर्ब करना, करने की होती है डू, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, तो वी हैड डन। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी है इसे, अभी हमने ऊपर भी लगाया था इसे, नॉन लिविंग थिंग के लिए इसे की इंग्लिश इट, तो वी हैड डन इट। उसके बाद आप उल्टा चलेंगे बिफोर, बिफोर हो गया, अब पिताजी ने कहा इसकी बनानी है, पिताजी ने कहा, पिताजी ने कहा कि बिफोर द फादर, से की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है तो सेड, SAID सेड, तो वी हैड डन इट बिफोर द फादर सेड, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखिए, बारिश होने से पहले वे ऑफिस पहुंच चुके थे, ठीक है, बारिश होने से पहले वे ऑफिस पहुंच चुके थे, ब्रेक कर लीजिए यहां से, पहले के बाद से ब्रेक हो जाएगा ये, तो आपका एक हो गया वे ऑफिस पहुंच चुके थे पास्ट परफेक्ट,
और ये है बारिश होने से पहले, मतलब बारिश हुई इससे पहले, बारिश हुई इससे पहले, तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट होगी, वे ऑफिस पहुँच चुके थे। कैसे? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, अब है आपकी वर्ब पहुँचना, ठीक है। तो पहुँचने की इंग्लिश होती है रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, REACHED, रीच्ड। अब उसके बाद कहाँ पहुँच चुके थे, आगे भी है सेंटेंस में, ऑफिस पहुंच चुके थे, तो रीच के बाद हम लगाएंगे ऑफिस। तो बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिए, रीच के बाद आपको कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगानी है, आप डायरेक्ट जो भी जहाँ पे भी आपको पहुंचना है वो जगह प्लेस लगा दीजिए। तो दे हैड रीच्ड ऑफिस, कोई टू, कोई इन, कोई एट नहीं लगाना, अगर आप लगा दोगे तो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो दे हैड रीच्ड ऑफिस, ठीक है, यहाँ विशेष फोकस करना, कोई टू, कोई इन, कोई एट नहीं आएगा। उसके बाद पहले की इंग्लिश बिफोर, दे हैड रीच्ड ऑफिस बिफोर। अब बारिश हुई, बारिश हुई की इंग्लिश क्या होगी, बारिश हुई में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और बारिश के लिए, रात के लिए, छुट्टी के लिए, दिन के लिए, सबके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए आप सब्जेक्ट क्या यूज़ करते हो, इट, तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे इट। तो दे हैड रीच्ड ऑफिस बिफोर इट। अब आपकी वर्ब है बारिश होना, एक तो आपका लग गया, अब जो वर्ब है वो है बारिश होना, और बारिश होने की इंग्लिश क्या होती है, रेन, और रेन की सेकंड फॉर्म लगाओगे रेन्ड, तो सेंटेंस बन जाएगा बिफोर इट रेन्ड, दे हैड रीच्ड ऑफिस बिफोर इट रेन्ड, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस, रात होने से पहले मैंने सारा सामान बांध लिया था, रात होने से पहले मैंने सारा सामान बांध लिया था। तो अब यहाँ पर सेंटेंस को आप ब्रेक कर लीजिए, पहले मैंने सारा सामान बांध लिया था, या मैं सारा सामान बांध चुका था, ये आपका है पास्ट परफेक्ट, और रात होने से पहले मतलब रात हुई इससे पहले। अब रात हुई कैसा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और ये पास्ट परफेक्ट का है तो ये पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। चलिए बनाते हैं, मैंने सारा सामान बांध लिया था, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंने मतलब आई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, अब वर्ब है आपकी बांधना, तो बांधने की क्या होती है, जब आप सामान को बांधते हैं तो पैक, और पैक की थर्ड फॉर्म पैक्ड, आई हैव पैक्ड, ठीक, आई हैव पैक्ड सारा सामान, ऑल द लगेज, सामान जो होता है ना, जब आप कहीं घूमने जा रहे होते हैं तो सारा आपके पास में जो लगेज होता है वही है सारा सामान, ऑल द लगेज, आई हैव पैक्ड ऑल द लगेज, LUGGAGE, इतना हो गया। इसके बाद आपका बिफोर, ठीक, अब रात होने से पहले, अब यहां पर भी आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा अपनी तरफ से, क्योंकि यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो रात दिन मैंने अभी आपको बताया था, इसके लिए आप सब्जेक्ट क्या लेते हैं, इट लेते हैं, क्या लेते हैं, इट लेते हैं, तो बिफोर इट, ठीक। अब वर्ब क्या है आपकी यहाँ पर, होना, तो होने के लिए आप या तो बी लगाते हैं या गेट लगाते हैं, तो आप यहाँ पर गेट लगा सकते हैं और उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो बिफोर इट गॉट, इट गॉट, ठीक है, और रात की नाइट, ये हो जाएगा बिफोर इट गॉट नाइट, सेंटेंस बन गया, आई हैड पैक्ड ऑल द लगेज, आई हैड पैक्ड ऑल द लगेज बिफोर इट गॉट नाइट, रात हुई, बिफोर इट गॉट नाइट मतलब रात हुई उससे पहले मैंने अपना सारा सामान बांध लिया था। तो ये आपने सीखे आज पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक, जिसमें आपने दो तरह के सेंटेंस देखे थे, एक पास्ट इंडेफिनिट वाला और दूसरा पास्ट परफेक्ट वाला। अब हम सीखते हैं इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर। अब देखिए बच्चों, जो आप आगे सेंटेंस देख रहे हैं वो कुछ अलग हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं सो गया था, तो अभी जो सेंटेंस हमने पढ़े थे उसमें पहले वाले की बात की जा रही थी और इसमें बाद की बात की जा रही है। उसके चले जाने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी, सूरज के छिपने के बाद सभी लोग होटल लौट आए थे, माताजी की मृत्यु के बाद उसने आपको बुलाया था,
तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर भी सेंटेंस दो हैं, सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पर भी अगर हम ब्रेक करें तो सेंटेंस देखिए बाद के बाद ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अब इसकी इंग्लिश हमको कैसे बनानी है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। कैसे देखिए, तुम्हारे जाने के बाद मैं सो गया था। अब इसको अगर आप सोचोगे तो इसको कैसे सोचोगे, अज्यूम करो, कैसे अज्यूम करोगे, जैसे देखो इसको तोड़ते हैं हम, तुम चले गए थे उसके बाद, है ना, तुम गए उसके बाद नहीं, तुम चले गए थे उसके बाद मैं सो गया। तो अब यहाँ क्या आ रहा है, तुम चले गए थे उसके बाद मैं सो गया, सेंटेंस ऐसे बन रहा है, ठीक। तुम चले गए थे मतलब पहले तुम चले गए थे उसके बाद मैं सो गया। तो यहाँ पर देखो आप, तुम चले गए थे, यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है वो अब निकल रहा है पास्ट परफेक्ट का, और यहाँ जो निकल रहा है मैं सो गया, भले ही यहाँ पर सो गया था लिखा है बट यहाँ सेंस निकल रहा है मैं सो गया, तो यहाँ पर जो टेंस निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। और अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो देखिए, ट्रांसलेशन यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसका ट्रांसलेशन बाद में बनाएंगे। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, मैं सो गया, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई, पास्ट इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आती है, सीधे वर्ब आती है सेकंड फॉर्म में, तो मैं सो गया था, सोने की स्लीप होती है और स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लेप्ट, तो ये हो गया आई स्लेप्ट। उसके बाद तुम चले गए थे उसके बाद, अब बाद की इंग्लिश क्या होती है, आफ्टर, तो आई स्लेप्ट आफ्टर। अब तुम चले गए थे ये बनेगा आपका किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तुम चले गए थे, आफ्टर यू, अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, और अब जाने की आएगी, ठीक, जाने की गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। तो ये ऐसे बना सेंटेंस, आई स्लेप्ट आफ्टर यू हैड गॉन, तुम चले गए थे उसके बाद मैं सोया, तुम चले गए थे उसके बाद मैं सोया, ठीक है। आगे देखिए, उसके चले जाने के बाद, उसके चले जाने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी, तो वह चला गया था उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ी, तो वह चला गया था पास्ट परफेक्ट, मैंने नौकरी छोड़ी पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां से स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, मैंने नौकरी छोड़ी, सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब है छोड़ना, छोड़ने की होती है लीव, और लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट, आई लेफ्ट। अब क्या छोड़ी नौकरी, तो आई लेफ्ट द जॉब, ठीक है। फिर आएगा आपका आफ्टर, अब वह चला गया था, वह चला गया था, आफ्टर ही, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और जाने की फिर लगा दीजिए गॉन। तो आई लेफ्ट द जॉब आफ्टर ही हैड गॉन, उसके चले जाने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। अगला देखिए, सूरज के छिपने के बाद सभी लोग होटल लौट आए थे। तो अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, सूरज छिप गया था उसके बाद सभी लोग होटल लौट आए, तो सूरज छिप गया था पास्ट परफेक्ट, सभी लोग होटल लौट आए पास्ट इंडेफिनिट। यहां से सेंटेंस बनाएंगे, सभी लोग, ऑल, सभी लोग के लिए ऑल पीपल या ऑल सब कुछ भी लगा सकते हैं, तो आप ऑल पीपल लगा दीजिए, ऑल पर्संस लगा दीजिए, कुछ भी, ऑल पीपल। अब लौट आने की रिटर्न, और रिटर्न की सेकंड फॉर्म रिटर्न्ड, रिटर्न्ड, ठीक है। फिर कहाँ, टू होटल, रीच के साथ नहीं लगाते, रिटर्न के साथ लगाते हैं, ठीक है। ऑल पीपल रिटर्न्ड टू होटल। अब उसके बाद आफ्टर, अब सूरज के छिपने के बाद, अब यहां पर सब्जेक्ट है सूरज, द सन, और ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, और अब है छिपना, छिपने की इंग्लिश होती है सेट, सनसेट होता है ना, अभी आपने कौन से चैप्टर में, माउंट आबू वाले चैप्टर में भी पढ़ा था ना, सनसेट पॉइंट, वही है सेट, और सेट की थर्ड फॉर्म भी सिंपल होती है, सेट ही होती है, तो ये बन जाएगा ऑल पीपल रिटर्न्ड टू होटल आफ्टर द सन हैड सेट।
सूरज छिप चुका था सॉरी, सूरज छिप चुका था। उसके बाद सभी लोग होटल लौट आए। ठीक है बच्चों, अगला सेंटेंस देखिए। माता जी की मृत्यु के बाद उसने आपको बुलाया था। तो माता जी की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद उसने आपको बुलाया। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, उसने आपको बुलाया, ही बुलाने की कॉल और सेकंड फॉर्म कॉल्ड, और आपको सेकंड पर्सन यू, ही कॉल्ड यू, ये थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन, ही कॉल्ड यू। ठीक है, तो उसने आपको बुलाया था, ही कॉल्ड यू आफ्टर, ही कॉल्ड यू आफ्टर माता जी की मृत्यु हो जाने के बाद, आफ्टर द मदर फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड, और मृत्यु होना की डाई होती है और उसकी थर्ड फॉर्म होती है डाइड, तो आफ्टर द मदर हैड डाइड, ही कॉल्ड यू आफ्टर द मदर हैड डाइड। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ सेंटेंसेस थे वर्कशीट नंबर 7 के जो आज हमने सीखे हैं। तो इसको सीखने के बाद अब आप सभी बच्चे वर्कशीट नंबर 7 के सारे सेंटेंस को एक बार पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद अपने आप से बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 7 में जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।